नमस्कार, आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। चारा घोटाला के मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को लेकर के एक बड़ी खबर जो है सामने आ रही है। लालू प्रसाद यादव फिलहाल रांची के रिम्स अस्पताल में, रिम्स अस्पताल में क्यों है ये बात आपसे छुपी नहीं है। दरअसल लालू प्रसाद यादव जो राजद सुप्रीमो है, लगातार जो है चारा घोटाला के मामले को लेकर के सजायाफ्ता है और वहाँ जो है बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनका इलाज जो है रांची के अस्पताल में चल रहा है, रिम्स अस्पताल में चल रहा है। ऐसे में जब कोरोना वायरस जो है दस्तक दी हुई थी तो उनको उस कोरोना वायरस के चपेट से बचाने के लिए उन्हें जो है केली बंगला पर शिफ्ट किया गया था। ये केली बंगला किनका है? रांची के जो रिम्स अस्पताल हैं उनके जो अस्पताल निदेशक हैं, अस्पताल अधीक्षक हैं, उनके आवास पर जो है लालू प्रसाद यादव को शिफ्ट किया गया था। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर के एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल लालू प्रसाद यादव किडनी की बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब उनका जो है किडनी को लेकर के जो फंक्शनिंग था, किडनी फंक्शनिंग था, वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। तो ऐसे में ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि अब उन्हें जो है डायलिसिस पर ले जाया जा सकता है और ये लंबे समय तक जो है, कुछ दिनों तक जो है डायलिसिस पर रह सकते हैं। लालू प्रसाद यादव को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अस्पताल से आई खबरों के अनुसार आज जो है लालू प्रसाद यादव की नेफ्रोलॉजी की जो डॉक्टर्स की जो टीम है वो आज जांच करेगी। इसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि उन्हें डायलिसिस पर ले जाना अत्यंत जरूरी है या फिर कुछ दिनों के बाद उन्हें ले जाया जाए। अगर लालू प्रसाद यादव की जो इस किडनी फंक्शनिंग की जो खराबी की जो वजह है, ये भी वजह है कि उनकी जो क्रिएटिनिन की जो लेवल है वो 2.5 पहुंच गई है, जो कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत बेहद जो है खराब माना जाता है। तो ऐसे में उनका जो किडनी है पूरी तरीके से प्रभावित है और इसकी एक और वजह यह भी है कि उनके किडनी में जो है पथरी का जो है होना एक बड़ा वजह बताया जा रहा है, जिसके वजह से पथरी की वजह से किडनी पर जो है दबाव पड़ा हुआ है और दबाव पड़ने की वजह से जो उनका जो किडनी है वो बेहतर फंक्शन नहीं कर पा रहा है। ऐसे में डायलिसिस ही एकमात्र उपाय दिख रहा है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को लेकर के जो है सुनवाई 11 दिसंबर को होनी थी, लेकिन सजा अवधि की जो है सर्टिफाइड कॉपी जमा नहीं कर पाने की वजह से जो है फिलहाल इसे जो है टाल दिया गया है। अभी जो है सजा उनकी जमानत को लेकर के जो है सुनवाई नहीं हुई है। और अगर अगर बात करें तो अब जो है लालू प्रसाद यादव को 6 सप्ताह का जो समय है रांची हाईकोर्ट ने दिया है कि 6 सप्ताह तक जो है उन्हें जमा करना है, जिसके बाद उन्हें जो है उस पर 6 सप्ताह बाद जो है इस पूरे मामले पे उनके जमानत के मसले पे सुनवाई होगी। लेकिन जिस तरह से लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य दिख रहा है, किडनी की समस्या दिख रही है और जिस वजह से उन्हें डायलिसिस पे रखा जाना है, तो ये जो वर्तमान समस्या है अगर इसमें अगर सुधार नहीं होता है तो ऐसे में डायलिसिस भी जो है एक निश्चित अवधि तक ही की जा सकती है। यानी कि अगर डायलिसिस को बहुत लंबा समय तक नहीं चलाया जा सकता, अगर डायलिसिस नहीं इतना लंबा तक चल पाएगा तो क्या होगा, उस दौरान उनके पास जो है विकल्प के रूप में किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र सहारा बचता है। तो ऐसे में लालू प्रसाद यादव की जो है हालत जो है अभी किडनी को लेकर के बेहद ख़राब बनी हुई है और नेफ्रोलॉजी की टीम जो है उनकी जांच कर रही है और उन्हें डायलिसिस पर जाने की जो है उनको ले जाने की जो है पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो बने रहिए और अधिक जो खबर है भारत लाइव पे लगातार चलता ही रहता है, खबर भारत लाइव पे कभी नहीं रुकता है। और आप इस खबर को जो है भारत लाइव के ऑफिशियल वेबसाइट bharatlive.co.in वहाँ जा करके आप पढ़ भी सकते हैं और शेयर करके हमारा मनोबल भी बढ़ा सकते हैं। बने रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।